कल हमने देखे थे कि इसका नेचुरल मेथड जो है या प्राकृतिक विधियां कैसे होते हैं इसके बारे में देखे थे, तो आज हम लोग देखेंगे इसकी साइंटिफिक मेथड की, इसमें किस तरह से बर्थ को कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें हम लोग जो है आज हम लोग देखने वाले हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में, इसमें देखने वाले हैं, या हिंदी में बोलते हैं इसको गर्भ निरोधक गोलियां, इनके बारे में देखने वाले हैं कि जो गोलियां होते हैं वो क्या होता है, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं या उसका साइड इफेक्ट क्या क्या होता है उसको पूरा देखेंगे। साथ ही साथ जो है इसको कब लिया जाता है उसको भी हम इसमें पूरा डिटेल में इसमें देखने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए और समझने का कोशिश कीजिए कि हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसमें आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले थोड़ा सा हम इसमें इंट्रो में थोड़ा ध्यान दें, बर्थ कंट्रोल, हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया है कि बर्थ को कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो इसको कंट्रोल के लिए अलग अलग मेथड्स का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो अलग अलग जो मेथड होते हैं उसमें से हम लोग लाए हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को इसमें लेकर आए हैं, गर्भ निरोधक गोलियों को इसमें लेकर आए हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में भी देखेंगे। तो साथ ही साथ इसमें हमको जानना भी आवश्यक होता है कि हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि देखिए हमारे जो इंडिया में एटमॉस्फेयर भी ऐसा है कि जो अब बच्चे पैदा होने के लिए कैपेबिलिटी या उसके लिए जो है अब बोला जाए तो एक अनुकूल जो है वातावरण हमको ये देता है। तो इसको रोकने के लिए, अनचाहे को रोकने के लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या गर्भ निरोधक गोलियां, या अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो पिल्स होते हैं उसको बोलते हैं गर्भ निरोधक गोलियां, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो इसका काम क्या करता है, इसका वर्क क्या होते हैं, इसका वर्क होता है हमारे पास ओवुलेशन। अगर ओवुलेशन ही नहीं होगा तो उसमें क्या हो गया, हमें जो है गर्भ धारण जिसमें नहीं हो सकता। हम लोग जानते हैं कि एमसी के दौरान, मेंस्ट्रुअल के दौरान जो है वो 14वें दिन यानी कि डे 14 पर क्या होता है, ओवुलेशन होता है। तो अगर इस समय पर ओवुलेशन को रोक दिया जाए, डे 14 पर ओवुलेशन हो ही ना, तो बिना ओवुलेशन के वहां पर क्या होगा, जायगोट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएंगे। जब तक ये हमारा ओवम है तो इसमें ओवम में जब तक कोई स्पर्म इसके साथ आकर जो है इसमें फ्यूज नहीं होगा, तभी यहाँ आकर जब दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो फ्यूज होगा तभी हमारा क्या बनेगा, जायगोट के इसमें जो है फॉर्मेशन होता है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, जो है ओवम चाहिए और स्पर्म चाहिए। तो अगर ओवुलेशन ही नहीं होगा, यहाँ से ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है, तो उससे आपका फर्टिलाइजेशन उससे नहीं हो पाएंगे, स्पर्म्स नहीं होगा और जायगोट का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो इसको रोकता है। फिर उसके बाद रहता है दूसरे इसमें देखते हैं सर्वाइकल म्यूकस। तो सर्वाइकल म्यूकस के थ्रू उसको थिकनेस बना देते हैं एवं जो है यहाँ पर वो बैरियर का काम करता है, मतलब उसको रोक देता है सीधा सा अंदर आने की, स्पर्म को जो है इंटर होने से उसको जो है वो रोक देता है। तो ये वो हमारे में है, सर्वाइकल म्यूकस के थ्रू होता है। अगर वहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया, बाय द वे किसी कारणवश से ओवुलेशन भी हो गया और वहां पर सर्वाइकल म्यूकस भी उसमें काम नहीं किया, वो अंदर चला गया, स्पर्म अंदर गया और यहाँ पर ओवुलेशन हो गया, तो ओवुलेशन के फलस्वरूप हमारे पास क्या बन गया, ये जायगोट का इसमें अगर फॉर्मेशन हो गया, इस जायगोट को इम्प्लांटेशन होना है। कहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा, फीमेल के यूटरस की जो वॉल होती है, फीमेल की यूटरस की जो वॉल होती है, हमारे पास तीन इसके लेयर होते हैं। तो सबसे जो ऊपर का जो लेयर रहते हैं उसको बोलते हैं हमारे में एंडोमेट्रियम। तो अनेक ऊपर का अर्थ यह है कि इधर से जो है ऊपर का और इधर से देखेंगे तो अंदर का, ठीक है। तो ये एंडोमेट्रियम जो लेयर रहता है उसको जो है क्या करता है, यहाँ पर इम्प्लांटेशन होना है, इसको यहाँ पर आके इसमें चिपकना है। तो इसको चिपकने से या इम्प्लांटेशन होने से इसको क्या करता है, वो रोकने का काम जो है वो करता है। तो इसको हम बोल सकते हैं ब्रेक टू इम्प्लांटेशन या इम्प्लांटेशन को रोकना इसमें किया जाता है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का काम होता है या तीन चीजों को अवॉइड करवाते हैं, पहला है ओवुलेशन को उसमें नहीं होने देते, दूसरा इसमें क्या है सर्वाइकल म्यूकस के थ्रू जो है स्पर्म को अंदर जाने ही नहीं देते, उसकी मोर्टालिटी को या उसकी गतिशीलता को जो है वो रोक देते हैं। उस तरह से इम्प्लांटेशन, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, जायगोट का फॉर्मेशन भी हो गया,
उसके बाद उसको इम्प्लांटेशन होना है कहाँ पर, यूटेरस के जो वॉल है एंडोमेट्रियम, तो उस एंडोमेट्रियम में उसको इम्प्लांटेशन से रोकने के लिए जो है किया जाता है या रोका उसको जाता है। ठीक है, तो अलग अलग पिल्स के बारे में अभी हम इसमें देखेंगे, तो शुरू करते हैं हमारे पास इसमें और आगे देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ पिल्स, तो हमारे पास जो है कितने प्रकार के पिल्स हमको देखने को मिलता है या मार्केट में इजीली जो है अवेलेबल होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो हमको मार्केट में दो तरह के पिल्स हमको देखने को मिलता है, पहला मिलता है प्रोजेस्टेरॉन पिल्स और दूसरा मिलता है हमारे में प्रोजेस्टेरॉन एंड जो है एस्ट्रोजन का पिल्स मिलता है। प्रोजेस्टेरॉन पिल्स मतलब इसमें केवल प्रोजेस्टेरॉन ही पाया जाएगा, ओनली फॉर क्या पाए जाएंगे, प्रोजेस्टेरॉन, ओनली प्रोजेस्टेरॉन इसमें जो है वो पाया जाता है, इसलिए बोलते हैं इसको प्रोजेस्टेरॉन पिल्स के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर है प्रोजेस्टेरॉन प्लस जो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन, तो दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन अगर है तो उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन पिल के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और ये जो रहता है हमारे लिए बहुत ही रिलायबल होता है, या इसका जो साइड इफेक्ट होता है प्रोजेस्टेरॉन पिल्स का साइड इफेक्ट होता है वो बहुत ही कम इसमें होता है, बहुत ही कम इसमें होता है। लेकिन इसमें जो कंबाइंड वाला रहता है इसमें जो है साइड इफेक्ट होने का चांस थोड़ा सा इसमें ज्यादा रहता है, और ये जो है वो रिसेंटली बहुत ज्यादा चलने वाला है, लेकिन ये जो है वो पहले का है, ये पहले बहुत ज्यादा ये चलते थे लेकिन अब ये रिसेंटली ये बहुत ज्यादा इसमें चल रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों को जो है हम यहाँ पर नीचे की ओर देखेंगे कि किस तरह से इसका प्रयोग इसमें करते हैं। तो हमारे पास हमने पहला लिया है इसमें प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन पिल्स को, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन पिल आने की इसको हमने लिए हैं, तो इससे क्या होगा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको देखते हैं। तो ये होगा हमारे में कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं। कंबाइंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ क्या है प्रोजेस्टेरॉन है और एस्ट्रोजन, दो हमारे पास हार्मोन्स है, तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को लेकर इसमें पिल्स को या टेबलेट्स को बनाया गया है, तो इसको बोलते हैं कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या जो है इसमें संयुक्त गर्भ निरोधक गोलियों के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, अब इसका वर्क क्या होता है, जब हम इसको टैबलेट्स को लेंगे तो टैबलेट्स को लेने के बाद इसका फंक्शन क्या करेगा हमारे बॉडी के अंदर, तो ये करता है ब्रेक टू ओवुलेशन, ओवुलेशन को ब्रेक करता है, मतलब ओवुलेशन होने ही नहीं देता। डे 14 पर जो ओवुलेशन हो रहा था, डे 14 पर ओवुलेशन को इसको क्या कर देता है, वो ब्रेक कर देता है। ठीक है, अब ये जो पिल्स होते हैं हमारे पास किस नाम से मिलते हैं, तो ये पिल्स मिलते हैं हमारे में पिल्स जो है माला डी और एन के रूप में मिलते थे। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार इसमें पहले जो है इसका पिक्चरों में एडवर्टाइज आता था। ठीक है, एडवर्टाइज जो है गवर्नमेंट इसको बार बार चलाते थे, एडवर्टाइजमेंट चलाते थे कि जो है माला डी एंड माला एन, एक प्रकार का ये कैसा होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है माला डी एंड जो है माला एन। ठीक है, इसको जो है अधिकतर उस समय लेते थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, दे आर टेकन विदाउट ब्रेक, दे आर टेकन विदाउट ब्रेक, इसको जो है बिना ब्रेक के जो है इसको टेकन किया जाता है, मतलब बिना ब्रेक के इसको जो है खाया जाता है, मतलब ये रोज लेने वाले टेबलेट्स होते हैं, यानी कि इसको रोज जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को इसमें डेली इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, विदाउट ब्रेक, ठीक है, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं किया जाता है, इसको विदाउट ब्रेक इसमें किया जाता है, मतलब कि जैसे मेंसेस चलते हैं एमसी जो चलता है, तो एमसी में क्या चलते हैं वो 5 दिन का, मतलब कि लगभग आपका 1 से 5 दिन का या 7 दिन का जो है क्या होता है मेंसेस स्प्रेड होता है, तो उस समय जो है ब्लड फ्लो होता है वहां से जो वजाइना होता है उससे एंडोमेट्रियम के जो लेयर रहते हैं उसी के साथ जो म्यूकस और उसी के साथ अब बॉडी फ्लूड कुछ मात्रा में ब्लड वो क्या होता है वहां से बाहर जो आते हैं वजाइना से बाहर आते हैं, तो उस समय इसको जो है बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। ठीक, उस समय बिल्कुल नहीं दिया जाता क्योंकि 1 से लेकर 7वें दिन तक जो एमसी का जो मेंसेस वो चल रहा है, तो उस समय इसको इस पिल्स को नहीं दिया जाता है। फिर उसके बाद अच्छा आपको एक चीज और इसमें अच्छे से और समझ आएगा, थोड़ा सा इसको और इजी हम कर देते हैं, तो इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए अभी देख लेते हैं और थोड़ा सा इसमें इजी बना देता हूं मैं आपको। कैसा इजी, तो 28 दिन का चलता है एमसी, एमसी कितने दिन का रहता है 28 दिन का रहता है, तो 28 दिन में हमारे पास जो है लगभग आपके पास कितना 5 से 7 दिन हिसाब लो है ना, 5 से 7 दिन कैसा होता है आपका मेंसेस होता है, मेंसेस मतलब इस समय जो है कैसा होता है ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है,
ब्लड का क्या आता है, इसमें फ्लो होते हैं, ब्लड इसमें फ्लो होता है मतलब इसमें एमसी के दौरान जो है वो ब्लड इससे बाहर आते हैं। फिर उसके बाद जो है बच गया कितना हमारे पास, 21 डे, कितना बच गया 21 डे। तो इस 21 डे तक जो है इसको लिया जाता है वन बाय वन, इसमें जो है 21 डे तक इसमें लिया जाता है। इसका जो पैकेट आता है, जैसे आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि इसका जो पैकेट है कुछ इस तरह से होता है, इसमें लगभग लगभग 21 गोली रहते हैं, जो कि तीन रंग का आपको इसमें दिख रहा होगा, तीन रंग के इसके 21 गोलियां रहते हैं। और पीछे की ओर इसमें या सामने में इसमें नंबर लिखा होता है कि 1 2 3 4 आपको दिन में लेना है। तो अब यहाँ पर भी इसको बना लेते हैं, तो इसमें इसका गोली कुछ इस तरह से इसका पैकेट आता है, यहाँ पर जो है वो लगभग लगभग 21 गोली का इसमें जो है पूरा फिट और रहता है, ठीक है, 21 गोली इसमें लगे हुए रहते हैं ऐसा, वो इसमें 21 गोली ये लगा है। तो इस 21 गोली में जो भी आपका नंबर भी लिखा रहता है कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसा करके 21 दिन तक जो है इसमें लिखा हुआ रहता है। तो आपको जो है वन बाय वन इसमें लेना है, कब लेना है, इसके खत्म होने के बाद, मेंसेस के खत्म होने के बाद, मतलब 5 से 7 दिन के बाद आपको लेना है, इसमें शुरू वो करना है, ठीक है। तो इससे ये होगा क्या होगा, हमने 21 दिन तक इसमें लिए हैं, अगर बाई द वे अगर बाई चांस आपने पहले तीसरे दिन टेबलेट्स लिया, फिर उसके बाद जो है चौथे दिन को भूल गए, फिर उसके बाद पांचवे दिन को भी भूल गए, अब डायरेक्ट छठवा दिन आया, तो अब आप क्या करोगे इसमें, तो आपको ब्रेक नहीं करना है। तो इसके लिए ये है, अगर आपने ये 2 दिन मिस कर दिया है, ये 2 दिन कैसा है, इसमें मिस है, 2 दिन मिस हुआ है, तो 2 दिन मिस है, इसमें क्या कीजिए आप, छठवे दिन इस दिन का भी डोज आपको लेना है, छठे वाले जो दिन है उस दिन का भी डोज आपको लेना है, साथ ही साथ जो छूटा हुआ है, जो छूटा हुआ है ये जो पांचवा दिन का जो छूटा हुआ है, इस पांचवे दिन वाले को भी इसमें आपको लेना है। तो मतलब इस दिन कितना गोली लेना है, छठवे दिन आपको 2 गोली को इसमें लेना है, क्योंकि छठवे दिन का भी डोज लेना है और जो छूटा हुआ है पांचवे दिन का उसका भी डोज आपको इसमें लेना है। फिर आपके पास कितना दिन आएगा, उसके बाद आपके में आएंगे ये 7वां दिन आएगा, तो 7वें दिन में भी आपको ये चौथे दिन का छूटा हुआ था तो इसमें आपको भी फिर से पुनः 2 गोली को लेना है, क्योंकि इसमें चौथे दिन का जो है इसमें छूटा हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से इसको जो अगर भूल जाए तो कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन आपको भूलना नहीं है, आपको वन बाय वन इसमें लेना है। और इसका भी एक स्पेशल टाइम होता है, आपको जिस समय आपको अच्छा लगे उस समय पे आप इसका टाइम सेट कर लीजिए, उसके बाद आपको डेली उसी टाइम पर इसमें जो है वो उसको लेते हुए जाना है। मान लिया जाए आपने मॉर्निंग में किया है, ठीक है, तो मॉर्निंग में अगर इसको किया है तो मॉर्निंग में रोजाना आपको जो है एक एक टेबलेट इसमें लेना पड़ता है, जिससे आपका जो है गर्भ धारण की जो क्षमता होती है वो नहीं के बराबर, यानी कि बहुत ही कम इसमें वो होता है, ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद देखते हैं इसमें आगे, और फिर उसके बाद देखते हैं हमारे में लार्ज साइड इफेक्ट था, लाइक इसमें कैसा होता है लार्ज साइड इफेक्ट, यानी कि बहुत ज्यादा इसमें साइड इफेक्ट हमको जो है देखने को मिलता है। तो क्या क्या इसमें साइड इफेक्ट होते हैं इसको देख लेते हैं। तो पहला हमें इसमें मिलेगा ब्लड क्लॉटिंग, पहले इसमें मिलता है ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का इसमें क्लॉटिंग होने का डर जो है रहता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग इसमें होते हैं। दूसरा इसमें मिलता है सेरिब्रल ब्लड वेसल डैमेज, सेरिब्रल ब्लड वेसल डैमेज जो सेरिब्रल मतलब अर्थात जो आपका ब्रेन रहते हैं, तो ब्रेन के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, ब्लड के वेसल्स होते हैं, तो उसका जो डैमेज होता है। फिर उसके बाद है इसमें तीसरा नंबर आता है इसमें हाइपर टेंशन, इसमें कैसा होता है हाइपर टेंशन होते हैं, साथ ही साथ इसमें हार्ट डिजीज का भी प्रॉब्लम होता है, हार्ट का भी बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आते हैं। उसी के साथ साथ जो पांचवा नंबर है ब्रेस्ट कैंसर, बहुत ही बड़ा इसमें यही इसका जो है सबसे मेन साइड इफेक्ट है हमारे पास जो है वो ब्रेस्ट कैंसर, छाती का इसमें जो मेमरी ग्लैंड होते हैं उसका कैंसर होने का डर इसमें जो है बहुत ज्यादा इसमें रहता है, क्योंकि इसको हमने डेली ले रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने इसको डेली जो है यूज कर रहे हैं, तो इसी कारण से इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा इसमें होता है। और इसी के साथ साथ इसमें क्या है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है, इसी कारण से इसमें बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई मदर जो बेबी को फीड करा रहे हैं तो उस समय भी अगर इसको लिया जाए तो उसको जो है दूध के श्रावण को या दूध के
सिक्रेशन को भी इनहिबिट करने का काम वो करता है। तो ये जो है बहुत ज्यादा इसमें साइड इफेक्ट है, एवं जो है हाइपर टेंशन यानी कि इसमें चिड़चिड़ापन और हाइपर टेंशन बहुत ज्यादा इसमें वो देखने को हमको मिलता है। तो ये था हमारे में प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन पिल्स, है ना। तो आगे और इसमें देखें, इसके बाद इसमें देखते हैं दूसरा नंबर का प्रोजेस्टेरोन पिल्स, ये क्या होते हैं प्रोजेस्टेरोन पिल्स। तो इसमें लिखा यहाँ पर ओनली यूज़ ओनली प्रोजेस्टेरोन, केवल एक ऐसा पिल जिसमें केवल एक प्रोजेस्टेरोन का ही प्रयोग इसमें किया जाता है, कोई भी इसमें एस्ट्रोजन का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन पिल्स के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। तो यूज ओनली प्रोजेस्टेरोन। फिर उसके बाद बोलता है इट इज नॉन स्टेरॉयडल पिल्स, इसमें कोई भी स्टेरॉयड इसमें नहीं पाया जाता, ये नॉन स्टेरॉयडल होता है, स्टेरॉयड्स इसमें नहीं, बिल्कुल भी इसमें नहीं होता है। फिर बोलता है टेकन वंस इन अ वीक, ठीक है, इसको जो है हफ्ते में एक बार, इसको केवल हफ्ते में एक बार इसको लिया जाता है, इसको हर रोज लेने की जरूरत है जो है वो नहीं होता है, इसको केवल एक हफ्ते में एक बार इसको जो है वो लिया जाता है। और इसका जो एक हमारे पास नाम है इसका, इसको बोलते हैं सहेली, ठीक है, आपने कई बार बुक वगैरह में या कहीं पर सुने होंगे सहेली करके। तो ये होता है इसको हफ्ते में ली जाने वाली, हफ्ते में एक बार ले जाने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन पिल्स के नाम से जानते हैं, या प्रोजेस्टेरोन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है सहेली को, ठीक है। सहेली हमारा एक प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिसमें प्रोजेस्टेरोन पिल्स वो जो है वो होता है, ठीक है। इसको हफ्ते में केवल एक बार लेते हैं, आपको याद है हफ्ते में केवल एक बार इसको लिया जाता है। बोलता है उसके बाद सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैज बीन डेवलप्ड एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो इसको जो है वो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा जो इसको विकसित किया गया है, ठीक है। ये जो हमारे पास पिल्स होता है प्रोजेस्टेरोन पिल्स होता है, या इसको सहेली नामक जो पिल्स रहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहता है, उसको सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा जो इसको विकसित किया गया है, और इसका जो है वो वेरी लिटिल साइड इफेक्ट, इसमें जो है बहुत ही कम साइड इफेक्ट इसको देखने को हमको मिलता है। तो ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए रिलायबल होता है, इसको आसानी से यूज किया जा सकता है, जैसे आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि वो जो सहेली का पैकेट कुछ हमको इस तरह से उसमें दिखाई देता है, जिसमें सहेली उसमें लिखा हुआ रहता है, उसको केवल हफ्ते में एक बार हमको लेना होता है। तो इसमें बहुत ही कम साइड इफेक्ट इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद इसमें तीसरा आता है हमारे पास मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, ठीक है, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। तो इससे नाम से स्पष्ट हो रहा है मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, मतलब इसको क्या मॉर्निंग में लिया जाएगा, जी हाँ, इसको जो है वो मॉर्निंग में लिया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेक्स का जो ड्यूरेशन हमारे इंडिया में जो है अधिकतर किसमें होता है, नाइट में ही होता है, रात में ही होता है, रात में कपलिंग की प्रक्रिया होती है, सेक्स की जो इसमें प्रक्रिया होती है। तो उसके दौरान जब अगर फीमेल के बॉडी में स्पर्म को डिस्चार्ज कर दिया गया, उसके बाद अगर वहां पर कैसा हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन का हमको रोकना है, किसको रोकना है, इम्प्लांटेशन को अगर हम इसमें स्टॉप करना है उसको रोकना है, तो इसको रोकने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको कुछ पिल्स की आवश्यकता होगी जाके, ताकि जो है इम्प्लांटेशन ना हो सके। तो अगर सेक्स हुआ है किसमें हुआ है, नाइट में, क्योंकि अधिकतर जो है नाइटिंग होता है, जो कपल्स होते हैं अधिकतर नाइटिंग इनके बीच जो है सेक्स की प्रक्रिया होती है। तो अगर नाइट में अगर सेक्स हुआ है, तो अगर उनके बीच फर्टिलाइजेशन हुआ है यहाँ पर, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है इम्प्लांटेशन को रोकना है, जायगोट का फॉर्मेशन अगर होने वाला है, इम्प्लांटेशन को रोकना है, तो हमको कौन सा पिल्स इसमें लिया जाना चाहिए। तो इसका एक और नाम होता है हमारे पास एज नोन एज इमरजेंसी पिल्स के नाम से इसको जानते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के नाम से इसको जाना जाता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में अगर आपने कोई भी प्रिस्क्रिप्शन या कोई भी दवाई नहीं लिए, या उस समय जब सेक्स के दौरान जो है एक्स्ट्रा जो कुछ और उपकरण होते हैं, जैसे कि कंडोम्स वगैरह हो गया, उसका अगर आपने इस्तेमाल अगर नहीं किए हैं, तो बिना प्रोटेक्शन के आपने जो है उसमें सेक्स किए हैं, तो उसके बाद आपको प्रेगनेंसी से अवॉइड करना है, बचना है, तो इसके लिए एक पिल्स होता है, इसको बोलते हैं
मॉर्निंग आफ्टर पिल्स के नाम से जानते हैं, या इसको बोलते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के नाम से इसको जाना जाता है। कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो आपको याद रखना है इसी को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी बोलते हैं, या इसी का और नाम होता है हमारे पास आई पिल्स बोलते हैं, या पिल 72 या अनवांटेड 72। ठीक है, ये हमको मार्केट में अलग अलग नाम से देखने को मिलता है। आई पिल्स भी मिलते हैं और पिल 72 भी मिलता है और अनवांटेड 72 के नाम से भी हमको देखने को मिलता है। इनका प्राइस उतना ज्यादा नहीं रहता, लगभग 120 रुपए, 130 रुपए ऐसा कुछ इसका प्राइस हमको देखने को मिलता है। लेकिन ये बहुत ही रिलायबल होता है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। जैसे कि हमने जो है, हमारे पास और था सहेली को नहीं किए, या उसी के साथ जो है माला डी माला एन का अगर हमने इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए ये होता है, इसका उपयोग हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, या इसको बोलते हैं इमरजेंसी पिल्स। ठीक है, तो बोलता है दिस पिल्स कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी ऑफ इफ टेकन विद इन 24 hours ऑफ सेक्स। ठीक है, तो इसको 24 hours आफ्टर सेक्स के बाद इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि रात में हुआ, तो रात में होने के बाद जो है आप इसको दिन में ले सकते हैं, मॉर्निंग में ले सकते हैं, या आपका दोपहर में ले सकते हैं, शाम को, मतलब आपको कितने में लेना है, पूरा आपको 72 घंटे के अंदर में इसको लेना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो आपको इसको 72 घंटे के अंदर ये पिल्स को आपको लेना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अगर 72 घंटे के अंदर आपने ले लिया तो भी ठीक है, लेकिन ये जो है आपका 24 घंटे के अंदर लेना बहुत ही ज्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि इस समय जो है वो इतना ज्यादा इम्प्लांटेशन के लिए मेच्योर नहीं होते हैं, ताकि जो है आप इसमें ले सकते हैं। तो इसको अगर आप यहाँ पर लेते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव देखने को मिलेगा। इसमें फेलियर होने का चांस जो है 99% इसमें हो जाता है, लेकिन अगर आप 72 तक इंतजार अगर उसमें करते हैं, इसका परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो है वो सक्सेस होने का चांस ज्यादा रहेगा, फेलियर का कम रहेगा, लेकिन इसमें फेलियर में बहुत ज्यादा इसका जो है वो चांस इसमें रहता है। ठीक है, तो आपको जो है लगभग 72 घंटे के अंदर जो है ये वाला जो रहता है पिल्स, इसको लेना, या मॉर्निंग पिल को, या आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को लेना जरूरी होता है। ठीक है, अब उसके साइड इफेक्ट इससे देख लेते हैं, तो साइड इफेक्ट इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें मिलेगा आपको मेंस्ट्रुअल जो है इररेगुलर, जो एमसी रहता है वो इररेगुलर रहेंगे, यानी कि 1-2 महीने तक जो है इररेगुलर रहेंगे। जो टाइम रहता है 28 दिन का, जो 28 दिन का टाइम, या 28 दिन का जो टाइम रहता है उसमें वो आगे पीछे फ्लक्चुएशन आपको देखने के इसमें मिलेगा। ठीक है, तो इसमें इररेगुलर रहेंगे, साथ ही साथ इसमें वोमिटिंग होता है, यानी कि जो फीमेल रहेंगे उसको उल्टी होता है, इसमें उल्टी आना शुरू होते हैं, तो वो इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत हमको नहीं रहता है। तो ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए रिलायबल होता है, इसका प्रयोग आसानी से इसको किया जा सकता है। ठीक है, इसमें ज्यादा जैसे कि हम लोग अधिकतर देखते हैं कि जो मेल होते हैं, जो कपल्स होते हैं, या तो फीमेल हो गया मेल, दोनों में से कोई भी जो है कंडोम्स वगैरह का इस्तेमाल करना अगर नहीं चाहते हैं, तो अधिकतर देखने को ये मिलता है कि जो फीमेल्स होते हैं उसे अवॉइड करते हैं, कंडोम्स वगैरह को जिसमें अवॉइड करते हैं, तो इसीलिए जो है इसका पिल्स का प्रयोग किया जाता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का प्रयोग इसमें ज्यादातर किया जाता है, और सहेली का भी इसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए 64 नंबर का देखते हैं, इसमें सब क्यूटेनस इम्प्लांटेशन, तो इसमें कैसा करते हैं, तो सब अक्यूटेशन का अर्थ है इसमें क्या होगा, तो इसे बोलते हैं अंडर द स्किन इम्प्लांटेशन। ठीक है, अंडर द स्किन मतलब जो बॉडी होते हैं, तो बॉडी के अंदर इसको जो है वो इम्प्लांटेशन इसको जो है वो किया जाता है। ठीक है, और एक कैसा होता है हमारे में सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है, जिसको बॉडी के अंदर इसको किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोलते हैं थिकिंग द सर्वाइकल म्यूकस, थिकिंग द सर्वाइकल म्यूकस, यानी कि सर्वाइकल म्यूकस को थिक करता है, उसी के साथ साथ इसमें कैसा होता है वो जो स्पर्म का अंदर आना है वो उसको वो रोकने का काम जो इसमें करते हैं, मतलब ब्लॉकेज बनाने का काम इसमें वो करते हैं। ठीक है, अब उसी तरह से इसमें बोलता है इफेक्टिव मोर 5 ईयर, जो 5 ईयर तक यानी 5 साल तक जो है वो इफेक्टिव रहता है, जैसे डायग्राम आपको दिख रहा है कि वो किस तरह से उसका डायग्राम रहता है, तो ये जो है आपका 5 ईयर तक वो इफेक्टिव हमको देखा जाता है, जिसको स्किन के अंदर जो है वो इम्प्लांटेशन या इम्प्लांट इसको करते हैं। ठीक है, और जिसके थ्रू जो है स्पर्म को अंदर जाने से किया उसकी मोर्टैलिटी जो होती है उसको वो कम करने का काम इसमें वो करते हैं, इसकी जो मोर्टैलिटी है वो कम करता है और वो अंदर नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें होता है। आई होप कि आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो देखते हैं हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।